नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आटा चक्की मशीन में गेहूं की पिसाई कैसे की जाती है और साथ ही गेहूं की पिसाई के लिए कौन कौन से नंबर के जाली का यूज़ किया जाता है। आटा चक्की मशीन के साथ 9 प्रकार की जालियां आती है, जिनमें से 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर की जाली का प्रयोग गेहूँ की पिसाई के लिए करते हैं। अगर आपको गेहूँ की बारीक पिसाई करनी है तो 0 नंबर की जाली का यूज किया जाता है तथा रोटी और पराठे के लिए 1 नंबर की जाली का यूज किया जाता है और गेहूं की खुरदरी पिसाई के लिए 2 नंबर की जाली का यूज किया जाता है। गेहूं की पिसाई करने के लिए सबसे पहले गेहूं को मशीन के अनाज टैंक पर डालिए, फिर उसके बाद मशीन के पावर केबल को लगाकर पावर स्विच को ऑन कीजिए। अब डिजिटल स्टार्टर अगर 220 से ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा है तो हरे बटन को दबाकर मशीन को ऑन कर दीजिए। मशीन को स्टार्ट करते ही गेहूं की पिसाई शुरू हो जाएगी और मशीन से किस किस तरह की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। इस रेगुलेटर स्विच के द्वारा गेहूं के गिरने की मात्रा को कम ज़्यादा किया जा सकता है। गेहूं गिरने की मात्रा को बढ़ाते वक्त डिजिटल स्टार्टर को ध्यान से देखना है और उसमें जो बताए जा रहे वैल्यू है उसको 15 से अधिक नहीं होने देना, क्योंकि गेहूं गिरने की मात्रा से वैल्यू बढ़ने लगता है और 15 से अधिक वैल्यू होने पर मशीन पर दबाव बढ़ने लगता है, जिससे मशीन खराब हो सकता है। इस लाल बटन से मशीन को ऑफ कर सकते हैं और हरे बटन से मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। इस मशीन के द्वारा 1 घंटे में 40 किलो गेहूँ को पिसा जा सकता है। अगर आप 1 किलो गेहूँ की पिसाई 3 रुपये भी लेते हैं तो 1 घंटे में आसानी से 120 रुपये कमा सकते हैं। इस तरह से आप आटा चक्की मशीन में गेहूँ की पिसाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।